नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप आनंद ले रहे हैं तर्क संग्रह का। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। हमने अभी तक मंगलाचरण, सात पदार्थ, नौ द्रव्य, 24 गुण और पांच कर्मों की चर्चा की। कर्मत्वम जातिमत्वम कर्म सामान्य लक्षणम में जाति की बात आई थी, तो चलिए भैया जाति को समझते हैं। कहते हैं परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम। सामान्य दो प्रकार का होता है, एक परम और एक अपरम। अब पर सामान्य क्या है और अपर सामान्य क्या है, तो इसके लिए सामान्य के लक्षण को पहले अगर हम देख लें तो समझ जाएंगे। सामान्य का लक्षण देते हुए कहते हैं नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम सामान्य लक्षण। जो नित्य रूप से अनेक में समवेत होता है, यानी जो नित्य रूप से अनेक में विद्यमान रहे उसको सामान्य कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं। अब नित्य रूप से यानी परमानेंट, अनेक में, जब एक ही चीज अनेक में पाई जाती है तो जाति होती है। जैसे गोत्व जिन जिन में पाया जाएगा वो सब गौ हो जाएंगे, स्त्रीत्व जिन जिन में पाया जाएगा वो स्त्री जाति में आ जाएंगे। तो यहां पे चर्चा ये कर रहे हैं कि जब कोई तत्व समवेत रूप से अनेक में विद्यमान होता है तो वो जाति बनती है या उसको सामान्य कहा गया है। यानी समूह किसी भी रूप में हो तो उसको आप जाति कह सकते हैं। आपको पता है कि अगर मनुष्य जाति कहें तो उसमें स्त्री पुरुष सब आ जाएंगे, स्त्री जाति कहेंगे तो पुरुष उससे अलग हो जाएंगे, पुरुष जाति कहेंगे तो स्त्री उससे अलग हो जाएगी, हम गौ कहेंगे तो प्राणियों में से गौ जाति अलग हो जाएगी, हम अगर विद्यार्थी कहेंगे तो औरों से विद्यार्थी अलग हो जाएंगे। तो ये एक समूह को जाति कहा जाता है, ये इसका सामान्य का जो पहला लक्षण है वो ये है। अब इसके दो प्रकार होते हैं, पर सामान्य और अपर सामान्य। अब पर सामान्य क्या है और अपर सामान्य क्या है, अगर उसको आपको समझना है तो सत्ता जो है उसको पर सामान्य कहते हैं, द्रव्यादि के रूप में जो जाति विद्यमान रहती है उसको अपर सामान्य कहा। अब आप कहेंगे सत्ता क्या है और द्रव्यादि में जाती है वो क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि स्त्री में स्त्रीत्व है, गो में गोत्व है, पुरुष में पुरुषत्व है, ऐसे जिस द्रव्य की बात करेंगे उस द्रव्य में उसकी एक अपनी जो सामान्य क्वालिटी है वो उसकी जाति निर्धारित करती है। लेकिन यहां पर और अपर को समझने के लिए, पर क्या है, स्त्रीत्व जो है ना ये सत्ता है, स्त्रीत्व जो है वो सत्ता है, और स्त्रीत्व जिसमें विद्यमान है वो स्त्री है, तो स्त्री जाति है और स्त्रीत्व जो है वो सत्ता है। गौ ये अपर सामान्य है और गोत्व जो है उसके अंदर जो गोत्व विद्यमान है वो पर सामान्य है। चलिए थोड़ा स्पष्ट शब्दों में इसको आपको समझाएं। तो एक प्रश्न, वामन अवतार में बलि को जब वामन ने तीन पैर पृथ्वी मांग करके और दो पैर रख के तीसरा पैर रखने का स्थान पूछा कि जब तुम्हारे पास इतना कुछ था ही नहीं कि तुम मुझे दान कर पाओ, दो पैर में तो तीनों लोग नप गए, अब मैं तीसरा पैर कहां रखूं, तब बलि ने एक प्रश्न पूछा कि आप ये बताइए कि वस्तु बड़ी होती है कि वस्तु का स्वामी बड़ा होता है। तो भगवान ने कहा कि सीधी सी बात है कि भाई वस्तु व्यक्ति के लिए होती है, स्वामी के लिए होती है, तो स्वामी देखने में भले छोटा हो लेकिन महत्वपूर्ण कार नहीं, कार का मालिक ज्यादा महत्वपूर्ण है। भले कार के अंदर वो मालिक बैठ जाता हो लेकिन बड़ा कौन है, कार बड़ी है या उसका मालिक बड़ा है, तो सीधी सी बात है कि मालिक बड़ा है। बिल्कुल वही बात यहां पे। चलिए उस कथा को पूरा कर दें
तो बलि ने कहा कि जब मैं इन तीनों लोगों से बड़ा हूं क्योंकि मैं इसका स्वामी हूं, तो अब तीसरा पैर ये मेरे सिर पे रख लीजिए। यहां पे भी जो पर है, पर सामान्य है, और जो अपर सामान्य है, आप इन दोनों को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पर सामान्य वो स्वामी है और अपर सामान्य जो है ना वो उसकी, चाहे उसका साम्राज्य मान लीजिए, चाहे उसकी वस्तु मान लीजिए, चाहे उसकी गाड़ी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। यानी स्त्रीत्व जो है वो सत्ता है, और स्त्री में जब वो विद्यमान होती है सत्ता, तो वो स्त्री जाति समूह, तो जब किसी में कोई तत्व विद्यमान है तो वो वस्तु जो है वो अपर सामान्य है, लेकिन जो सत्ता उसमें है जिसकी वजह से वो अपर सामान्य बना है, वो सत्ता वो पर सामान्य है। बस यही सामान्य का लक्षण है भैया, दर्शन है, समझाने के लिए भी कुछ गोल गोल हो जाता है। अब आपकी समझ में कितना आ रहा है नहीं आ रहा है तो आप प्रश्न पूछिए, उसका निराकरण हम आपको देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। सामान्य की चर्चा के बाद विशेष को समझाते हैं, और विशेष को समझाते हुए कहते हैं नित्य द्रव्य प्रत्ययो विशेषास्त्वनंता एव। द्रव्य में पाया जाने वाली उसकी जो नित्य वृत्ति है वो उसका विशेषत्व है और इसके अनंत रूप है। इसको आप कहीं संख्या में नहीं बांध सकते हैं कि कितने इसके प्रकार हो सकते हैं, नहीं नहीं, अनंता एव, अनंत है। थोड़ा आपको समझाएं तो नीम का पेड़ है, उसमें आप कहें कि 50,000 पत्ते उसमें विद्यमान है, लेकिन कोई भी 10 पत्ते आप तोड़ लीजिए और उनको रख दीजिए, उन 10 पत्ते में या उन 50 पत्ते में या 100 पत्ते में थोड़े एक जैसे होंगे, लेकिन संपूर्ण रूप से एक ही कलर हो, एक ही डिजाइन हो, सब कुछ एक हो, ऐसे दो पत्ते आप एकत्रित नहीं कर पाएंगे। कभी कल्पना कीजिए, विचार कीजिए कि संसार में इतने सारे लोग हैं, सृष्टि में इतने लोग हैं, कितने सांचे उस ऊपर वाले के पास हैं कि हर व्यक्ति का एक ही माता पिता की दो संतान है, दोनों के चेहरे अलग अलग होते हैं। अरे भाई, संपूर्ण रूप से चेहरा अलग नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ तो विशेषताएं ऐसी होंगी जिससे दोनों एक दूसरे से अलग पड़ेंगे, चाहे वो आकृति हो, चाहे वो रंग हो, चाहे वो रूप हो, या उसके कुछ गुण भी हो सकते हैं। तो प्रत्येक अणु परमाणु से लेकर के जो भी इस संसार में द्रव्य विद्यमान है उसकी विशेषता उस द्रव्य में नित्य रूप में पाई जाती है, और जो उसकी विशेषता है वो अन्यत्र नहीं पाई जाएगी, तभी तो औरों से वो अलग हो पाएगा। तो विशेष का लक्षण करते हुए कहते हैं कि नित्य द्रव्य वृत्त्ययो विशेषा। द्रव्य में नित्य रूप में विद्यमान जो वृत्ति है वो विशेष है, और ये अनंत है। अनंत है अर्थात इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इस संसार में अणु परमाणु, आप दो घड़े भी कोई कलाकार बनाता है ना, तो उसी मिट्टी से बनाता है, वही व्यक्ति बनाने वाला होता है। अगर किसी सांचे का प्रयोग करता तो सांचा भी वही होता है, फिर भी दोनों मिट्टी के घड़े भी एक जैसे नहीं होते हैं, मिट्टी के दो दीपक भी एक जैसे नहीं होते हैं। तो इस संसार में जो भी सृष्टि में पाया जाता है उसकी अपनी विशेषता जो है, जो उसको औरों से अलग करती है, वही विशेष है, और ये अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यानी जितने लोग उतने चेहरे, जितने चेहरे उतने गुण, उनकी अपनी विशेषताएं। ये तो व्यक्तिया व्यक्तित्व की बात करो त्यार तब तो चेहरे की बात आती है, लेकिन अगर हम यही चर्चा पशु पक्षियों, वृक्ष के पत्तों, या मिट्टी के कण, या जिसको अणु परमाणु कहते हैं उसके बारे में करें, तो वहां भी सबका अपना वैशिष्ट है,
और जो वैशिष्ट एक में हो दूसरे में नहीं है, और वही वैशिष्ट उसको दूसरों से अलग करता है। इसलिए नित्य रूप से द्रव्य में विद्यमान रहने वाली उसकी विशेषता वही उसका विशेषत्व है, और वो अनंत होता है क्योंकि सभी में अलग अलग रूप से पाया जाता है। इसका लक्षण करते हुए कहते हैं निस्सामान्यत्वे, जो सामान्य रूप से जाति की तरह नहीं, सामान्य भिन्नत्वे सति, सामान्य से जो बिल्कुल अलग होता है, यानी आपने कहा कि पुरुष, तो ये जाति हुई, ये तो प्रत्येक पुरुष में एक ही तरीके से पाई जाएगी, क्योंकि पुरुषत्व है तभी वो पुरुष है, या स्त्रीत्व है तो ही वो स्त्री कही जाएगी। कोई ना तो पुरुष जैसे कपड़े पहनने से कोई पुरुष हो जाता है, और ना कोई स्त्री की तरह साड़ी पहन लेने से स्त्री बन जाएगा, उसमें स्त्रीत्व वाले जो गुण होंगे तभी तो स्त्री होगा। कई बार तो शारीरिक संरचना से वो स्त्री हो, फिर भी अगर उसमें स्त्रीत्व नहीं है तो नपुंसक की कक्षा में भी आ जाता है। पूरी तरीके से आप देखें पुरुष के समान हो, दाढ़ी भी हो सकती है, मूंछ भी हो सकती है, लेकिन जो पुरुषत्व है वो गुण ना हो तो फिर वो पुरुष नहीं होता है, वो भी नपुंसक हो जाता है। तो ये जो सामान्य रूप से पाया जाता है ये तो पुरुषत्व है, लेकिन प्रत्येक पुरुष को दूसरे पुरुष से जो अलग करता है वो उसका विशेषत्व है, और यही विशेष का लक्षण है कि निस्सामान्यत्वे सति, सामान्य भिन्नत्वे सति, समवेतत्वम विशेष लक्षणम। जो सामान्य से अलग है, सर्वसामान्य रूप से सर्वत्र नहीं पाया जाता है, जो प्रतीक में अलग अलग रूप में पाया जाता है वह विशेष है। चलिए हम यहां द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष की चर्चा कर चुके हैं, अब समवाय और अभाव की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, आनंद लीजिए, जो समझ में आया वो ठीक है, जो समझ में ना आए उसके बारे में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।